हेलो यो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 17 की, जो कि 13 अगस्त के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों आज हम बात करेंगे यौगिक एवं मिश्रण के बारे में। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो पिछले कार्यपत्रक में हमने तत्वों के बारे में पढ़ा था, तत्व यौगिक के बारे में थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की थी। तो तत्व की तरह यौगिक भी शुद्ध पदार्थ ही होते हैं, लेकिन इनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के होता है और ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं, रासायनिक विधि के संयोजन से होते हैं, यानी कि रासायनिक संयोजन विधि से इनका निर्माण होता है, जैसे कि नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, जल इत्यादि। ठीक है, अगर जल की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के संयोजन से ये बनता है। अब अगर इस निश्चित अनुपात को अनिश्चित कर दिया जाए, यानी कि किसी भी अनुपात में तब्दील कर दिया जाए, किसी भी अनुपात में बदल दिया जाए और रासायनिक विधि जो संयोजन की है उसे हटा दिया जाए, तो जब तत्व मिलकर के किसी चीज़ को बनाएंगे तो वो कहलाएगा बच्चों मिश्रण। इन दोनों में, यौगिक और मिश्रण में, सिर्फ मोटा मोटा जो फर्क है वो ये वाला ही है। और हमें जो प्रकृति में चीज़ें मिलती हैं वो यौगिक और मिश्रण के रूप में ही मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस की बच्चों। तो जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, यौगिक और मिश्रण की, तो सबसे पहली चीज़, ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं, इनमें रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती हैं। ये शुद्ध होते हैं और ये अशुद्ध होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये इनका संगठन सदैव स्थायी होता है, इनका नहीं होता है। ठीक है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है बच्चों। अब इन पदार्थों के गुणधर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। क्या होते हैं इनका जो गुणधर्म है, उनके पदार्थों से जो मिले हुए गुणधर्म हैं, इनके पूरे अलग होते हैं, जबकि ये अपने यौगिकों के गुण दर्शाते हैं बच्चों। फिर है, यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव्य वाष्प बदलते हैं। उसके बाद है, ये रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग किए जा सकते हैं, जबकि घटकों को भौतिक विधियों द्वारा ही पृथक या अलग किया जा सकता है बच्चों। इसके उदाहरण है जल, कॉपर सल्फेट, किसके, यौगिक के, और मिश्रण के उदाहरण है बच्चों हवा, दूध, क्योंकि ये विषमांगी और विषमांगी दोनों ही प्रकार का हो सकता है। और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला लिया जाए तो मिश्रण बनाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये तो बात है आपके कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यौगिक और मिश्रण को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया विधि के द्वारा संयोजन या रासायनिक विधि के द्वारा जो बने वो यौगिक कहलाता है, जैसे कि नमक, ग्लूकोज, जल। और कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ या जब किसी भी अनुपात में मिल जाए तो मिश्रण बनाते हैं। उदाहरण है बच्चों दूध और हवा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो, यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें आपको करना क्या है बच्चों, इसमें से यौगिक और मिश्रण में से, ये आपका आंसर दो है, इसमें से आपको अंतर लिखने हैं। कोई भी दो तीन अंतर आप लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन क्या कहता है, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा से। निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करें, इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखें। तो मैं आपको शुद्ध, उसके बाद यौगिक और मिश्रण, तो शुद्ध जो होंगे वो यौगिक भी होंगे, इसलिए कन्फ्यूज मत कीजिएगा उसमें। ठीक है ना, मैं शुद्ध अलग बता रहा हूँ, यौगिक अलग बता रहा हूँ, मिक्स और मिश्रण अलग बता रहा हूँ, लेकिन जो शुद्ध बताऊँगा वो यौगिक भी होंगे, तो इसलिए आप उसमें कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, उन दोनों को एक ही साथ लिखिएगा। और जब शुद्ध को अलग छाट कर लिखना है तो शुद्ध के लिए आप अलग लिख सकें, इसलिए मैंने शुद्ध को अलग बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो जब हम बात करते हैं शुद्ध की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल, उसके बाद नमक और चीनी, चीनी खाली, चीनी का घोल नहीं, चीनी, ये क्या है बच्चों, ये आपके शुद्ध हैं।
अब जब हम बात करेंगे यौगिक की, तो यौगिक में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, यौगिक में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसे ऐसे कर देते हैं, ये आपको थोड़ा याद भी रहेगा फिर, ठीक है। अब बात आती है मिश्रण की, तो मिश्रण में क्या है बच्चों, मिश्रण में है मिट्टी, चीनी और नमक का घोल, ओ चीनी का घोल पानी के साथ, वायु, दूध और ईंट, ये सारी की सारी मिश्रण है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपके कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।